न होने से गांव वालों को टॉर्च और मोमबत्ती से अपना काम चलाना पड़ रहा था। छोटे काम के लिए भी दूर गांव जाने पर मजबूर थे और गर्मी चिमनी जगह जगह के वो काम करते थे। वो हाथ वाली बैटरी ला के उनसे कोई चीज रात को देखनी पड़ती थी, बहुत ही प्रॉब्लम ही थी साहब। चिमनी जगह नहीं पड़ी होती थी, दिक्कत घनी थी। चिमनी जगानी पड़ती, गुड़े बड़े खिर जाते, भाग जाते। मोबाइल चार्ज करना है तो भी सौर ऊर्जा की प्लेट पे जाओ या मोहनगढ़ लेके जाओ। प्रेस भी नहीं कर पाते थे, कोयले की प्रेस लगाओ या और भी काम करो। टॉर्च भी बाहर से चार्ज करके लानी पड़ती थी, सारी दिक्कत ही दिक्कत थी। दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के जरिए होता सर गांव में बिजलीकरण का काम हुआ। अब गांव वाले आराम से पंखे और कूलर का मजा ले सकते हैं। मोबाइल चार्ज करने के लिए बगल के गांव में नहीं जाना पड़ता है। लाइट आ गई तो हम खूब अच्छी तरह से पढ़ाई करते हैं और हमको खूब सुविधाएं मिल गई है। अच्छी तरह से अच्छी सुविधा है साहब, लाइट और मोबाइल चार्ज भी हो जाओगी और हर भी चीज मतलब कोई भी चीज गर्म गर्म कोई भी चीज ऐसी या पंखो या कूलर हर चीज चला सकें, कोई प्रॉब्लम को लाइट आई सही तो पंखा चला कूलर चला सोचा हो जाओ। अब लाइट आ गई है तो रात में बल्ब लगा लेते हैं, टॉर्च को भी बाहर ले जाने की जरूरत नहीं है, घर में चार्ज हो जाती है और बच्चे भी रात में पढ़ते हैं तो आसानी से पढ़ सकते हैं। लाइट आ गई बस ऐसे समझो नया जीवन आ गया। उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना से बिजलीकरण होने से जैसे गांव में नया जीवन ही आ गया हो।